सकते हैं, यहां पर रेत माफियाओं ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। दरअसल मधुसूदनगढ़ थाना की उकावाद चौकी प्रभारी खेजड़ा गांव से अपनी टीम के साथ लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में टेम नदी से रेत माफिया अवैध रेत का खनन कर रहे थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो रेत माफिया पुलिस टीम पर पथराव कर फरार हो गई। इस पथराव में चौकी प्रभारी कुलदीप मैथिलिया और आरक्षक शिवेंद्र सिंह चौहान जख्मी हो गए। पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना मकसूदनगढ़ की चौकी उकावद है और चौकी प्रभारी वारंटी तलाश के संदर्भ में क्षेत्र में गया था। उसी दौरान कहीं रास्ते में ट्रैक्टर चालक रेत भर रहे थे तो उनसे पूछताछ की तो उसी दौरान उसके ऊपर पत्थर, गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और जिससे कुछ एक दो पुलिसकर्मी को भी पत्थर लगे हैं और आरोपियों के विरुद्ध थाने में साक्षी कार्य में बाधा की एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। खबर आपको धार से बताते हैं जहां एक लड़की के अंधे कत्ल का